फेमस यूट्यूबर व्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा अपने बर्थडे पर गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें कि उन पर धारा 144 और 188 के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच इस मामले पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वेल, आपको बता दें कि गौरव के परिवार को फिलहाल राहत की सांस मिल गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें अगर गौरव तनेजा की तो यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से उनका चैनल काफी ज्यादा फेमस है। 7 मिलियन से ज्यादा उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं और इसी के साथ 3 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स। इस बीच गौरव तनेजा की बीवी रितु राठी तनेजा ने हाल ही में अपने हस्बैंड गौरव तनेजा की इंस्टा स्टोरी पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने पति को सरप्राइज देने के लिए नोएडा सेक्टर 51 पर उनका बर्थडे केक कट करेंगी, जिसके बाद वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए और जिसके बाद वहां पर कायोस हो गया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने धारा 144 और 188 के उल्लंघन के लिए गौरव तनेजा को गिरफ्तार कर लिया। वेल, आपको बता दें कि फिलहाल गौरव तनेजा को इस मामले में बेल मिल गई है। जी हां दोस्तों, गौरव तनेजा के परिवार के लिए एक खुशखबरी है कि गौरव को फाइनली इस मामले से छुटकारा मिल गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर गौरव को रविवार को ही जमानत मिल गई। लेकिन यहां पर गौरव तनेजा को उनका बर्थडे मनाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ गया और जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये बात आग की तरह फैल गई है। अभी तक सोशल मीडिया पर उनकी ये खबर चल रही है, जिसमें लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गौरव को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, सबक सिखाने के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बड़े नामी ग्रामी इंसान हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कानून का मजाक बना सकते हैं। और शायद इसीलिए गौरव तनेजा को यहाँ पर अरेस्ट कर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि गौरव तनेजा को इस मामले में बेल मिल गई है, जिसके बाद गौरव तनेजा का इस बात पर क्या रिएक्शन होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी फिलहाल गौरव ने इस बात पर कोई रिएक्शन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया है। हालांकि सारे झंझट के बाद गौरव तनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, Hi everyone, have to cancel Gaurav's birthday celebration due to some personal issues. Well, इस स्टोरी को देखकर ही लग रहा है कि ये स्टोरी भी उनकी पत्नी रितु राठी तनेजा ने ही पोस्ट की है, जैसा कि उन्होंने उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की खबरें पोस्ट की थी कि वो नोएडा सेक्टर 51 पर अपने पति का बर्थडे मनाएंगी। इसके बाद भी गौरव तनेजा ने अपना बर्थडे केक कट करते हुए अपने बीवी और बच्चों के साथ एक स्टोरी और पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, थैंक यू एवरीवन फॉर योर लवली विशेस, मेड माय डे। वेल, आपको बता दें फिलहाल तो इस मामले में गौरव को बेल मिल चुकी है, और आप भी हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय इस मामले पर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।